आइए, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा मिशन है। डिप्रेशन के वेरिएंट्स, अलग अलग वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। अभी एक पेशेंट मेरे पास में आया, उम्र अंदाज 33 साल की होंगी और काफ़ी मतलब जॉब कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में जॉब है, टारगेट्स है, तनाव बहुत है और उसमें उसको लगता है कि ये जॉब मैंने छोड़ देना चाहिए और घर पे जाके बैठ जाना चाहिए, कहीं जॉब ही नहीं करना। मतलब इतना प्रेशर काम का और टारगेट्स का कि उसको लगता है कि भाई जॉब छोड़ देना चाहिए, मगर जॉब छोड़ दिया तो आज 15,000 रुपये महीना मिल रहा है तो वो कहाँ से फिर खर्चा निभाना, घर के कैसे मतलब खर्च करना, इधर बॉस की गालियाँ मिल रही है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, टेंशन बहुत है। और फिर अचानक इसको एक दिन जब सवेरे उठा तो वो पूरा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद में उसको समझ नहीं, वो हिला रहे, देख रहे उसके तरफ, उसको हिला रहे, उसके आंखों के सामने ऐसा हाथ कर रहे तो वो एकदम टक देख रहा है और एकदम जैसा ब्लैंक हो गया, पूरा हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, उसको ऐसा लेटा है तो फट से ऐसा गिर रहा है खाली लकड़ी जैसा। और फिर ऐसा आग भी ऐसी कड़क है और किसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। फिर उसको उठा के वो इमरजेंसी में कुछ सलाइन वगैरह लगा दिया, कोई इंजेक्शन दिया और फिर वहाँ वो अच्छा हो गया थोड़े 2-3 घंटे के बाद में। फिर उसको छुट्टी किया और बोले आप साइकियाट्रिस्ट के पास में जाओ। फिर मेरे पास में लाया। मेरे पास में आने के बाद में उसको पूछा मैंने तो बोले मेरे दिमाग में इतने विचार आते रहते और भन्नाट विचार आते रहते, कुछ कंट्रोल ही नहीं होता। कौन से विचार, मैंने उसको पूछा तो बोले कुछ नहीं, ऐसा अलग 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 विचार आते रहते हैं। फिर मुझे बहुत नर्वसनेस आता है, ऐसा लगता है कि आगे कैसा होगा, फ्यूचर में कैसा होगा, बहुत टेंशन चिंता लगी रहती है। मेरे ऊपर कर्जा है 4-5 लाख का, तो वो कैसा मैं फेर दूंगा, अभी तो ये जितना तनख्वाह मिल रहा है उसमें मेरा तो सिर्फ घर ही चल रहा है, वो भी मुश्किल से, अभी शादी होने की बाकी है बोले, और घर में माँ बाप है तो वो भी अभी पिताजी बोल रहे हैं कि अभी शादी कर लो, उनकी भी अभी इनकम कम हो गई है। जब पूछा तो पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से वो ऐसा डाउन हो गया था, डल, नर्वस, उदासीन, कभी कभी रोना आना, और फिर इसमें ये ऐसा एकदम इमरजेंसी उसको आ गई और फिर उसको लेके जाना पड़ा। फिर बाद में अच्छा तो हो गया, मगर बाद में अच्छा होने के बाद में मतलब वो अटैक ठीक हो गया, मगर तभी भी वो ऑफिस में जा रहा है, काम कर रहा है, मगर तभी भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं अपन बहुत थक गए, डल हो गए, डाउन हो गए, इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, और उसको लगता है कि अभी इतने जान ही नहीं है, मतलब ताकत ही नहीं है, ऐसे ताकत किसने तभी निकाल लिया है जैसा मशीन से सुबह सुबह, और फ्रेश नहीं लगता उठने के बाद में, फिर दिन भी ऐसा एकदम डल जाएगा, ढिला जाएगा, ऐसा उसका चालू था। मैंने उसको बताया कि देखो भाई अभी आपको अपने आप को ताकत देनी पड़ेगी, दवाई मैं देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा जो डिप्रेशन है वो निकल जाएगा, नींद भी अच्छी हो जाएंगी, मगर आपको अभी अपने आप को ताकत देनी पड़ेगी कि भाई ये मुझे जॉब करना है कि नहीं करना है, क्योंकि टारगेट्स है, आप अचीव नहीं कर रहे टारगेट्स, तो वैसा भी फिर आपका फ्यूचर ये है कि आपको वो निकाल देगा बॉस, जब आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, बार बार आपके पीछे लग रहा है, थ्रेट दे रहा है, तो वैसा भी निकलने वाला है, तो आप अभी से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करो, यहाँ मत रहो, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, दूसरी कंपनी देखो, एक तो वो हो सकता है, और नहीं तो फिर यहाँ टारगेट पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या एक्शंस है, तो उसके बारे में चलो बातचीत करते हैं कि भाई टारगेट्स आपके हैं, दवाई के टारगेट मतलब मेडिसिन है, और मेडिसिन के टारगेट उसको पूरे करने के, इतना इतना माल निकालना है, इतना माल बेचने का है, जो भी है, तो वो टारगेट पूरे करने के लिए चलो क्या एक्शंस है, तो वो हम देखेंगे, वो बातचीत करेंगे, मगर जब तक आप वो अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे, अपने आप को पावरफुल नहीं बनाएंगे, प्रॉब्लम तो है, यहाँ से दूसरे कंपनी में जाएंगे वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, वहाँ भी टारगेट्स रहेंगे, वहाँ और कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो फेस नहीं कर पाएंगे। आदमी तो वहाँ यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, आदमी तो सेम जा रहा, आदमी थोड़ी बदल गया, कंपनी बदल गई, आदमी वही है, तो फिर प्रॉब्लम, फिर वहाँ से कहाँ भागोगे और कितनी कंपनियाँ बदलोगे, तो आपको बेस्ट ये है कि यही कंपनी में रहना है, वो भी चॉइस से, अपने सोच के समझ के कि मेरे को यही, मेरे को सक्षम खुद को बनाने का है, यहाँ के टारगेट्स मेरे को मुझे पूरे करने के हैं और यहीं मुझे सक्सेस पाने का है, यहीं मुझे प्रमोशन लेने का है, तो मैंने बोला आपका फ्यूचर बनाओ, एक फ्यूचर तैयार करोगी ये कंपनी में, मैं क्या कर सकता हूँ, स्किल नहीं है, जैसा सेल्स का स्किल नहीं है, ऑपरेशंस जो है कंपनी में होते उसका स्किल नहीं है, वो ट्रेनिंग लो, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लाओ, ऐसे उसको मैंने काउंसिलिंग में काफ़ी नुक्स बता दिए, काउंसिलिंग किया, उसको मेडिटेशन करने के लिए बोला, फिर सेल्फ हिप्नोटिज्म उसको सिखाया, धीरे 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 वो ठीक होने लगा, उसको कॉन्फिडेंस भी आ गया, रिलैक्स भी हो गया, और बोले फिर अभी मैं, मेरे टारगेट जो है
वो भले ही पूरे नहीं कर सक रहा हूँ मगर वहाँ तक पहुँच रहा हूँ कम से कम, और उसका रिलैक्सेशन उसको मिलना और वहाँ से उसको अच्छा लगना, उसको डिप्रेशन भी काफ़ी अच्छा लग गया। तो ये है डिप्रेशन का वेरिएंट, ये स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आया हुआ है, और ऐसे काफ़ी लोगों को स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आते रहता है, टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, और उनको फिर प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनको जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकेंगे, अपने आप को पावरफुल बना सकेंगे और अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।